नमस्कार मित्रों, जय माता दी। माता रानी की कृपा से फिर से एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज से लेकर अगले दो दिनों तक में मेष राशि वाले जातकों का दिनचर्या कैसे रहने वाली है और किन किन चीज़ों से आपको लाभ मिलने वाली है और किन किन चीज़ों से आपको सावधान रहना है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को पूरे अंत तक देखें और वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जय माता दी। और अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें कि ताकि रोजाना राशि फल आपको समय समय पर मिल सके। मेष राशि के लोग खुश मिजाज व तनाव मुक्त रहने के लिए भी और कुछ समय मन मुताबिक गतिविधियाँ और प्रकृति के समीप पर भी जरूर व्यतीत करें, इससे आपको नई ऊर्जा अनुभूति होंगी। घर परिवार और कारोबार में उचित सामंजस्य बना रहेंगे। घर में किसी नजदीकी संबंधों के आगमन भी हो सकते हैं। कोई भी समस्या आने पर किसी नजदीकी मित्र से विचार विमर्श अवश्य करें, निश्चित आपको समाधान मिलेंगे। कभी कभी किसी बात पर भी जिद आ जाने से आप अपने लिए भी रुकावटें पैदा कर देंगे और इसलिए स्वभाव में थोड़ा लचीलापन बनाकर रखना जरूरी है। कारोबार में बहुत अधिक धैर्य और परिश्रम की जरूरत है आपने, और अगर कोई नया काम भी शुरू किया है तो अभी रुकावटें बनी रहेंगी, परंतु हिम्मत ना हारे, जल्दी परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन भी आपके लिए भी उपयोगी रहेंगी। पारिवारिक माहौल सुखद और खुशनुमा बना रहेंगे। प्रेम संबंधों में नजदीकियाँ बनी रहेंगी। वर्तमान वातावरण की वजह से एलर्जी जैसी और दिक्कत भी रह सकती है। ज्यादा भीड़भाड़ वाले स्थान पर भी जाने से परहेज रखने की आवश्यकता होने वाली है। मेष राशि वाले जातकों के लिए भी आप उत्साह से भरपूर नजर आएंगे। सायंकाल के भी समय आप अपने माता पिता की सेवा में व्यतीत करेंगे। जीवन साथी के संग निजी पल भी व्यतीत करने पर आपका पार्टनर प्रेम की बरसात कर सकते हैं। आपका पीर आपसे अच्छे दोस्त की तरह से भी आपका ध्यान रखेगा। अचानक धन लाभ की स्थिति बन सकती है और व्यवसाय संबंधी कार्य गति अच्छी रहेगी। आप में से कुछ लोगों का भी द्वारा नई प्रॉपर्टी खरीदने जाने की संभावना है। कोई भी काम शुरू करने से भी पहले माता पिता का आशीर्वाद ले, आपको निश्चित सफलताएं मिलेंगी। कार्यस्थल पर भी कुछ कर्मचारी आपको विरोध भी कर सकते हैं। शरीर के खून की कमी को भी दूर करने के लिए भी खुद को भी तनाव मुक्त रखना होगा। डॉक्टर की सलाह का भी पालन करना जरूरी है। देश देशांतर के भी लंबी यात्रा का भी योग भी रहने वाली है। मेष राशि वाले जातकों के लिए आज से लेकर अगले तीन दिनों तक में दायित्व जीवन में चल रही कला भी समाप्त भी और कर के मिठास को भी घोलने के लिए प्रेम की भावनाएं भी और बल भी मिलने वाली हैं। नौकरी में कार्यरत लोग भी और टीम के वर्क में के जरिए काम करके और अच्छा नाम भी कमा सकते हैं। आपको अपने कुछ निजी मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति पर भरोसा करने से बचना होगा। आपकी किसी पुरानी बात को लेकर लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। आपको व्यापार को भी संवारने का मौका मिलेंगे। आप वरिष्ठ से भी बातचीत करते समय और अपने बात उनके सामने अवश्य करें। कार्य क्षेत्र में आपके कुछ विरोधी आप पर भी हावी होने की पूरी कोशिश करेंगे, जिनसे आपको बचना भी होगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए भी और आपने और व्यस्त दिनचर्या से छुट्टी ले आपको अपने मन के भी शरीर में तरोताजा करने की जरूरत है। आप जल्द ही अपने आप को भी एक नया वातावरण में पाएंगे। हस्तांतरण भी हो सकते हैं या नए जगह भी बदलाव लेंगे। यह बदलाव आपके प्रकृति के लिए भी और सरकार परिवर्तन भी ला सकते हैं और आपके सकनी पर भी और कारण से भी वरिष्ठों के भी आप पर भी नकारात्मक राय भी प्रगट भी और होगा। किसी अच्छे स्वमुख और देश भी और साथ में खुलकर बात करने से आपको एक इसका हल भी मिलने वाली है। आपका सहनशील अटल भी रहने वाली है। प्रतिबंध के उद्देश्य पूर्ण भी स्वभाव से आपको